हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस को एक एक करके देखिएगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और जितने भी आप फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं, चाहे थ्योरी सेशन हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, ऑल टॉपिक चैप्टर वाइज सभी प्रकार के एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कराए गए हैं। और डेली बेसिस में रोजाना आपको करा रही हूँ, जिससे आपका प्रैक्टिस बना रहे और जब भी एग्जाम आए आपको ये ना लगे कि मेरी अभी तैयारी नहीं हुई है। तो दोस्तों, जैसे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैंने बीपीएससी टीआरई 2 में सभी चैप्टर का सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक करके 79-80 वीडियोज बनाया हुआ है। सभी वीडियोज देखिए और मैं डेली बेसिस पे जो भी प्रैक्टिस करा रही हूँ वो सभी को प्रैक्टिस करते रहिए। और थ्योरी सेशन भी, जहाँ भी आप अटकते हैं, समझ में ना आए, वहाँ जाके थ्योरी सेशन भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हमारे शरीर में लिगामेंट नामक मुलायम ऊतक का क्या कार्य है? तो दोस्तों, लिगामेंट क्या होता है? ये दो हड्डियों को जोड़ पर जोड़ता है, जिससे दो हड्डियों को आपस में बांधे रखता है। इस प्रकार जो जोड़ के डिसलोकेशन को रोकता है, ठीक है, जो जोड़ के डिसलोकेशन यानी अपने स्थान से हट जाता है, तो अपने में बांधे रखता है, जिससे वो जुड़ा रहता है एक दूसरे से, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, किसने कहा कि मानव ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप से प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों, हमारे चिकित्सा शास्त्र के जो जनक हैं, हिप्पोक्रेटस ने कहा कि मानव ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप से प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खेल की गेंद दबाने पर कठोर लगती है? तो दोस्तों, सॉफ्ट बॉल के गेंद को दबाने पर कठोर लगता है। नेक्स्ट है, निम्न में से वसा यानी फैट के पाचन में कौन मदद नहीं करता है? तो एक एक करके आप एक्सप्लेन करेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। तो बाइल जो होता है, यानी जो पित्त रस होता है, बाइल जूस, वो यकृत यानी लीवर में बनता है और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में, और ये जाकर के मिलता है भोजन में छोटी आंत के सबसे पहला भाग डेडुनम में, जहाँ पे पित्ताशय नली एंड अग्नाशय नली जुड़ी रहती है। तो वहीं पे आपका पित्ताशय नली से बाइल जूस एंड अग्नाशय नली से अग्नाशय से स्रावित होने वाले जो एंजाइम्स हैं, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन आकर के मिलते हैं। और हमारे अमाशय यानी पेट में गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम निकलता है। यहाँ पे बाइल जो है पित्तरस वसा के पाचन में मदद करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज भी वसा के पाचन में मदद करता है, और लाइपेज भी वसा के पाचन में मदद करता है। तो इसमें बाइल जो है, इसका निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है और स्टोर होता है पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में, और गैस्ट्रिक लाइपेज का स्त्राव होता है अमाशय यानी कि स्टोमस से, जो वसा के पाचन को कार्य करता है, और लाइपेज जो है वो स्त्राव होता है अग्नाशय से, यह भी बाइल जूस के साथ मिलकर के वसा का पाचन करता है, जबकि एमाइलेज जो है वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, यह भी अग्नाशय से स्त्रावित होता है। तो यहाँ पे कौन वसा का पाचन नहीं करता? तो एमाइलेज। इस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से मनुष्य के लिए क्या घातक है? तो यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल होता है, दो प्रकार का होता है, HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो हमारे लिए HDL होता है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एंड जो LDL होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या घातक हो सकता है ज़्यादा? तो यहाँ पे देख सकते हैं, LDL की मात्रा बढ़ जाना एकदम 100% या घातक हो सकता है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। एंड HDL की मात्रा बढ़ना ये अच्छी बात है, LDL की मात्रा घटना ये भी अच्छी बात है,
एचडीएल की मात्रा घटना ये अच्छी बात नहीं है, इसका बैलेंस रहना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है, तो अलग क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड हैंडबॉल, ये तीनों ग्राउंड में खेला जाता है, फील्ड बनाया जाता है, बट बिलियर्ड्स जो है मेज पर खेला जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है, तो दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक स्टेडियम, बर्न नेस्ट स्टेडियम, पैनाथेनिक स्टेडियम, ये तीनों देश से बाहर के हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भारत में है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, निम्न में से सीखने के नियम किसने दिया था, तो आप सबको पता है थार्नडाइक ने दिया था, यानी कि ये पेरू के मनोवैज्ञानिक थे थार्नडाइक। एंड नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक को सीखने के सिद्धांत हेतु रसिया का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो दोस्तों कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया था पावलाव ने, पावलाव को रसिया का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संधि की चोट है, संधि यानी ज्वाइंट की, तो यहां पे देख सकते हैं आप, सॉरी दोस्तों, निम्न में से कौन सी संधि की चोट यानी चोट नहीं है, तो नहीं है शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे कौन नहीं है इसको ध्यान देना है, जैसे कि डिसलोकेशन ये आपका संधि यानी ज्वाइंट की चोट है, ब्रसाइटिस ये भी ज्वाइंट की चोट है, ब्रसाइटिस होता क्या है, यह जोड़ों के पास की चोट है, ये अक्सर कंधे, कोहनी, कलाई, कुल्हे, घुटने तथा टखने में लगती है, चल संधि के जोड़ों के पास स्थित ब्रसा से संबंधित है, यह ब्रसा फाइबर्स कैप्सूल जिसमें सैनुवियल तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसके पास छोटे छोटे भाग होते हैं, यह भी सैनुवियल तरल पदार्थ से भरे रहते हैं, और ब्रुसा लिगामेंट और फाइबर्स कैप्सूल के मध्य भी स्थित रहते हैं, इस ब्रुसा नामक भाग में दर्द, जलन, लालपन तथा सूजन यानी इन्फ्लेमेशन होना ब्रसाइटिस कहलाता है। और स्प्रेन क्या है दोस्तों, यह लिगामेंट की चोट है, यह भी जोड़ों का चोट है, यानी कि लिगामेंट जो है दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है, बांधे रखता है, और इसमें अत्यधिक खिंचाव हो जाने से मोच आ जाता है, स्प्रेन जिसे कहते हैं, ये भी ज्वाइंट की चोट है, लेकिन जो स्ट्रेन है ये मांसपेशी और टेंडन की चोट है, जिसमें खिंचाव हो जाता है, अत्यधिक खिंच जाने से होता है, तो यहाँ पे स्ट्रेन जो है वो संधि यानी ज्वाइंट की चोट नहीं है। नेक्स्ट है, हमारे हृदय में कितने पंप होते हैं, तो दोस्तों हमारे हृदय में कितने पंप होते हैं, यह कहना क्या चाह रहा है, दो पंप यानी दो आवाज साउंड होते हैं, यहां पे साउंड की बात कर रहा है, लब डब, लब डब, ठीक है, जब हृदय धड़कता है तो लब डब की ध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट है, हृदय कितने सेकेंड के लिए आराम करता है, दोस्तों एक हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड लगता है, उसमें से 0.4 सेकेंड वह आराम करता है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल में टॉय स्पिन किसके कारण होती है, तो वॉलीबॉल में टॉय स्पिन जो है वह रिबाउंड करके कोर्ट को छोटा करना होता है। नेक्स्ट है, टेनिस खेल में अगर बॉल को कट या चॉप शॉट मारा जाए तो निम्न में से क्या होगा, तो यह स्पिन कहलाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कहां से और कब हुई, तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, और 2022 में यह खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में संपन्न हुआ है, और 2023 में 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, और 23वां राष्ट्रमंडल खेल तो 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में संपन्न होगा। नेक्स्ट है, अफ्रीका और एशियन देशों के मध्य
होने वाले विशेष खेलों को क्या कहा जाता है? तो इसको एफ्रो एशियन गेम कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में स्कूल के खेलों को कौन संचालित करता है? तो भारत में स्कूल के खेलों को संचालित करता है SGFI यानी कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1954 में किया गया। नेक्स्ट है, किसने एथेंस से ओलंपिक के आयोजन स्थल तक मशाल लाने की परंपरा को शुरुआत की थी? तो कार्ल डाइम ने 1936 से, बर्लिन ओलंपिक से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस चोट का उपचार आप स्वयं साधारण रूप से नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों स्प्रेन, एब्रेशन, गुम्बड़, इस सब का जो उपचार है हम RICE पद्धति से कर सकते हैं साधारण रूप से, बट फ्रैक्चर का नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ी किस चोट के बचाव के लिए सीन गार्ड पहनते हैं? तो दोस्तों गुम्बड़ यानी कि जो अचानक से भारी वस्तु से चोट लग जाती है, नीला पड़ जाता है, इस चोट के बचाव के लिए फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ी सीन गार्ड पहनते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खेल में सामान्यतः सबसे अधिक फुट डिसलोकेशन होता है, यानी कि पैरों का डिसलोकेशन होता है? तो दोस्तों यह सबसे ज्यादा जिम्नास्टिक में होता है। नेक्स्ट है, ब्लड प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों जैसे कि हमारा ब्लड जो है दो प्रकार का होता है, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में जो रक्त कणिकाएं होती हैं RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स होता है, और प्लाज्मा जो है एक द्रवीय भाग होता है, और जिसे 55% भाग शरीर रक्त का प्लाज्मा एंड 45% भाग ब्लड सेल्स का होता है। प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है, ये प्रोटीन की उपस्थिति के कारण रक्त अर्धतरल चिपचिपा सा बना रहता है। प्लाज्मा के अंदर 90% जल या 90-91% जल, पानी की मात्रा, एंड 8-9% प्रोटीन, जिसे प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन पाया जाता है, एंड 0.9% सॉल्ट एंड नमक, जिसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन पाया जाता है, एंड 0.1% ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कार्बनिक पदार्थ, ग्लूकोज, फैट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, कोलेस्ट्रॉल, अमीनो एसिड पाया जाता है। प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? दोस्तों प्लाज्मा में और सारे पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंजाइम, एंटीजन आदि पाया जाता है। प्लाज्मा का कार्य होता है कि पोषक तत्वों जैसे कि ग्लूकोज, नमक, अमीनो एसिड, इस सबको ऊतकों तक पहुंचाना होता है, और ऊतकों से जो खराब पदार्थ, विकार पदार्थ होता है, और जैसे कि यूरिया एसिड, अमोनिया, लैक्टिक एसिड, CO2 को बाहर निकालना इसका काम है। नेक्स्ट है, चाय, कॉफी, कोला, ड्रिंक, आहार संबंधित दवाइयों में कौन सा उत्तेजक सबसे अधिक पाया जाता है? दोस्तों जो कैफीन होता है ये सबसे अधिक पाया जाता है, जितने भी दवाइयां चाय, कॉफी, कोला, ड्रिंक्स आदि बनाया जाता है, एक उत्तेजक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खेल में सबसे अधिक डिसलोकेशन नामक चोट लगती है? डिसलोकेशन है कि जो ज्वाइंट होती है, जैसे कंधे का सबसे ज्यादा होता है, अपने स्थान से हट जाना ही डिसलोकेशन कहलाता है, यह सबसे ज्यादा होता है। डिसलोकेशन नामक चोट जो है सबसे ज्यादा जिम्नास्टिक में होता है, और कंधे का डिसलोकेशन ज्यादा पूछेगा तो जूडो के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, अगर मांसपेशी में मायोसिन का प्रतिशत 50-55 हो तो एक्टिन का प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों तब एक्टिन का प्रतिशत जो है 20-25% होगा, जैसे कि हमारे मांसपेशियों में दो फिलामेंट होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। मायोसिन में हेड यानी कि हैंड होता है जो एक तरफा, उसमें गैप होता है जिसमें एक्टिन को अपनी तरफ खींचता है, यानी एक्टिन फिलामेंट के मायोसिन फिलामेंट पर फिसलने से मांसपेशी जो है वो कंट्रैक्ट होता है,
नेक्स्ट है, अगर अंतः श्वसन में ली गई O2 की मात्रा 20% हो तो वह श्वसन में लगभग कितनी होगी? तो दोस्तों 20 से 21% यदि ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगा श्वसन क्रिया में तो बाहर निकलता है 16%, यानी 4 से 5% ही यूज होता है और 16% बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और 4% बाहर निकलता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है, उतना ही अंदर जाता है उतना ही बाहर आ जाता है बिना कोई यूज के। नेक्स्ट है पल्मोनरी एडिमा नामक विकार में निम्न में से किसमें तरल पदार्थ भर जाता है? तो वायु कोष्ठक में, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायु कोष्ठक यानी कि एल्वेलाई में, ठीक है, जो गुच्छे के रूप में फेफड़ों में होता है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमायोग्राफी नामक यंत्र के द्वारा किस दौरान मांसपेशियों की क्रियात्मक क्षमता यानी एक्शन पोटेंशियल मापा जाता है? तो दोस्तों यह संकुचन के दौरान मापा जाता है, कंट्रैक्ट, जब मांसपेशी कंट्रैक्ट होती है। नेक्स्ट है स्प्रेन नामक चोट घुटने कलाई और टखने में निम्न में से कब लगती है? तो स्प्रेन की बात कर रहा है यानी लिगामेंट की चोट है, जोड़ की चोट है, तो यहाँ पे स्प्रेन जो होता है अधिक मुड़ने और वाली गति होने के कारण जब खेल खेलते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं तो यह चोट लग जाती है। नेक्स्ट है कई अभ्यास स्ट्रेस फ्रैक्चर से संबंधित होते हैं जिससे हड्डियों में बाल आ जाता है, यह शरीर के किस अंग में अधिक लगती है? तो दोस्तों यह स्ट्रेस फ्रैक्चर जो होता है वो पैरों में अधिक लगती है। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है? यह एक स्ट्रेस फ्रैक्चर ओवर यूज इंजरी है, हड्डी या जोड़ से जुड़ी हुई पेशी या टेंडन के बार बार प्रयोग होने से हड्डी में बाल या लाइन फ्रैक्चर आ जाता है। इसका पता कुछ दिनों बाद जब उस अंग में तीव्र दर्द का आभास होने लगता है तब होता है। एक होता है मार्श फ्रैक्चर, यानी जब यही स्ट्रेस फ्रैक्चर टखने में स्थित मेटाटार्सल हड्डी में हो जाता है तो पैरों के पंजे का ज़्यादा प्रयोग होने से मेटाटार्सल हड्डी में बाल यानी लाइन फ्रैक्चर आ जाता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर का नाम मार्श फ्रैक्चर कैसे पड़ा? तो स्ट्रेस फ्रैक्चर का नाम मार्श फ्रैक्चर कैसे पड़ा? तो 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में अधिकतर देशों के सैनिकों के पंजों में यह फ्रैक्चर पाया गया जिसके कारण इसका नाम मार्श फ्रैक्चर पड़ा। आई होप कि आपको समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट निलय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा से संबंधित अवधि के संबंध में क्या सही है? तो दोस्तों हृदय के द्वारा 1 मिनट में वायु निलय के द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा को कार्डियक आउटपुट कहा जाता है, यानी कि 1 मिनट के अंदर हृदय के द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा को कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। और कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? जब एक धड़कन में जितना रक्त शरीर की तरफ पंप किया जाता है एक धड़कन में उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, वह लगभग 70 ml होता है और हमारा जो हार्ट रेट होता है 72, 70 में 72 का गुणा करेंगे 5.04 लीटर आपका आएगा। तो कार्डियक आउटपुट की मात्रा यानी कि 1 मिनट में हमारा हृदय जो है 5 लीटर यानी 5.04 लीटर रक्त को पंप करता है। नेक्स्ट है निम्न में से यह कथन किसके लिए सही है कि ऐसी मशीन जो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो दोस्तों जो मसल्स होता है वह रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है जिसे हम कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है कौन सा शारीरिक अंग फ्लैट बैक से संबंधित है? तो दोस्तों यह लॉर्डोसिस लंबर यानी कमर वाले भाग से फ्लैट बैक संबंधित है। नेक्स्ट है शरीर का कौन सा अंग फेफड़ों में भोज्य पदार्थों को नहीं जाने देता? तो आप सबको पता है वेरी इजी क्वेश्चन, एपिग्लोटिस जो होता है, हमारे जो
मुख के जस्ट बाद जो हमारा फेरिंग्स होता है, मुख गुहा होता है, वहाँ पे लटका हुआ होता है दरवाजे की तरफ। जब हम भोजन खाते हैं, लेते हैं, तो वहाँ पे श्वास नली को या एपिग्लोटिस बंद कर देता है, जिससे भोजन के कण फेफड़ों में, श्वास नली में न जाए। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किसने लड़कों के लिए स्काउट शुरू किया? तो एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है, भारत के विद्यालयों के खेल के विकास के संबंध में भारत सरकार ने किस संस्था का गठन किया है? तो अभी जस्ट आप दो चार क्वेश्चन पहले देखे थे, SGFI यानी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1954 में हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन है? तो आप सबको पता है, जल में घुलनशील विटामिन BCNH है, और वसा में घुलनशील विटामिन KEDA है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, हमारी लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो दोस्तों, हमारे मुख में तीन जोड़ी लार ग्रंथि है, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, जिसमें जिससे टैलिन नामक एंजाइम निकलती है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इस प्रकार जो भोजन का पाचन जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, और भोजन का संपूर्ण पाचन अवशोषण होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट है, निम्न में से वॉलीबॉल खेल में खेल से क्या संबंधित है? दोस्तों, यहाँ पे बोनस लाइन कबड्डी से, बक लाइन कबड्डी से, ठीक है, गोल लाइन आपका हॉकी से एंड और गेम से होता है, जबकि अटैक लाइन जो है आपका होता है वॉलीबॉल से। नेक्स्ट है, हृदय के किस भाग में महाधमनी जुड़ी रहती है? तो आप सबको पता है, बायां नीरे में महाधमनी यानी एरोटा जुड़ा रहता है, जिसे कई शाखाएं निकलती हैं, जिसे के माध्यम से समस्त शरीर तक रक्त को पहुंचाया जाता है, शुद्ध रक्त को। नेक्स्ट है, निम्न में से लचकता किससे संबंधित है? तो दोस्तों, आइसोटोनिक जो गति होती है, जिसमें मांसल्स सिकुड़ती और फैलती दोनों है, उससे संबंधित होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खेल में एक टीम में पुरुष और महिला दोनों रहते हैं? आप सबको पता होगा, कॉर्फ बॉल में ऐसा खेल है जिसमें पुरुष और महिला दोनों रहते हैं। नेक्स्ट है, तैराकी की कितनी शैलियां हैं? आप सबको पता है दोस्तों, चार शैलियां हैं, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। इसमें से फ्री स्टाइल जो है वो सबसे तेज दौड़ने की, तैरने की शैली है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी ने गोल्डन हैट्रिक नामक पुस्तक लिखी है? दोस्तों, तो वो खिलाड़ी हैं बलबीर सिंह। नेक्स्ट है, ओलंपिक में एथलेटिक की एक स्पर्धा में एक देश से कितनी एंट्री आ सकती है? तो दोस्तों, ओलंपिक में एथलेटिक स्पर्धा में एक देश से केवल 3 प्रतिभागी ही भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना फॉरेनहाइट होता है? तो आप सबको पता है, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, निम्न में से मुख्यतः किसके कारण थकान होती है? आप सबको पता है, लैक्टिक एसिड के कारण, जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और बार बार संकुचन से मांसपेशी में जो आवश्यक होता है ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पूर्ति हो पाती है, तो उसके स्थान पर लैक्टिक एसिड जमने लगता है, जिससे शरीर में थकावट होता है, और कुछ सेकेंड के लिए, कुछ पल के लिए हम रिकवरी फेज में रहते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे अंदर उस ऑक्सीजन की पूर्ति होने लगती है, जिसे लैक्टिक एसिड जो है वह थकान को मिटा देता है, लैक्टिक एसिड पिघलने लगता है, जिससे थकान समाप्त हो जाता है, यानी लैक्टिक एसिड पारविक अम्ल में बदलने लगता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
ओलंपिक के समापन की घोषणा कौन करता है? दोस्तों उद्घाटन की घोषणा तो मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति करता है, लेकिन ओलंपिक के समापन की घोषणा IOC का अध्यक्ष ने इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के कमेटी के अध्यक्ष करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हॉकी खेल के दौरान अगर बॉल गोलकीपर के पैर में फंस जाए तो मैच पुनः कैसे प्रारंभ होगा? तो दोस्तों इस कंडीशन में मैच जो है पुनः प्रारंभ होगा बूली के द्वारा। नेक्स्ट है, ऊंची कूद यानी हाई जंप में लैंडिंग एरिया कितना होता है? तो 5×3 मीटर होता है दोस्तों ऐसे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6×4 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए, आज के सेशन में, आज के वीडियो में 50 MCQs का मैंने प्रैक्टिस कराया। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आप कितना क्वेश्चन का आंसर दिए इसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए डेली बेसिस मेरे साथ, जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।